नमस्कार दोस्तों, मोबी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मेरे पास एक कीपैड वाला ये फ़ोन है, इसका मॉडल नंबर माइक्रोमैक्स का है, 3020X3020। तो इसमें मोबाइल ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। हम ऑन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो कीपैड लाइट आ रहा है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्विच ऑफ करके निकाल लेते हैं, इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। तो अभी ये जो है, ये जो डिस्प्ले लाइट का स्ट्रिप है, यहाँ पे स्ट्रिप लगता है और ये डिस्प्ले लाइट है। यहाँ पे ए और के दिखा है, मतलब इसका एनोड और कैथोड। एनोड मतलब प्लस आता है और कैथोड मतलब माइनस आता है। तो इसमें हम कोल टेस्टिंग करेंगे। कोल टेस्टिंग में बीप रेंज में सेट करना है मल्टीमीटर को, और उसका जो रेड वायर होता है वो ग्राउंड पे रखना है कहीं पे। देखो मैंने रख दिया। और हम जो अपना कोल टेस्टिंग करना है वहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम कैथोड पे रख देते हैं। ये देखो कैथोड पे रखने के बाद 360 तक रीडिंग आ रहा है, मतलब 250 के ऊपर आ रहा है। तो इसका जो लाइन है कैथोड का वो सही है। और यहाँ पे एनोड पे देख लेते हैं। ये देखो एनोड पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो मिसिंग है। ये यहाँ पे सामने भी देख लेते हैं, ये कंटिन्यूटी है, ये भी है, लेकिन ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। यहाँ पे तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखा, लेकिन मेन तो लाइन इसकी कट है, कहीं तो कट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो स्ट्रिप होता है वो 3.7 बैटरी वोल्ट के वोल्टेज पे ही चलता है, और जो हमारे एंड्रॉयड के होते हैं वो उसको बूस्ट वोल्टेज लगता है, मतलब 7 वोल्ट से 40 वोल्ट तक उसका वोल्टेज होता है, लेकिन ये जो है वो 3.7 वोल्टेज पे ही चलता है। तो यहाँ पे हमारा वीबैट का पॉइंट है, तो ये वीबैट के पॉइंट से लेके हम एनोड तक जंपिंग करके देख लेते हैं, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं देखेंगे। और दूसरी बात, ये जो कीपैड का लाइट है वहाँ से भी हम उसका जो प्लस है वहाँ पे जंप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब कीपैड का लाइट चले जाता है तो डिस्प्ले लाइट चले जाता है। तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा तो हम ये पहले जंप करते हैं। यहाँ पे सोल्डरिंग करना जरूरी है। ये देखो ये जम्पर विवर का है, इसलिए इसको अच्छी तार से जम्पिंग करना है, क्योंकि ये शॉर्टिंग होने के बाद मोबाइल बंद भी पड़ सकता है, इसलिए वो कोटेड वायर से ही जम्प करें। ये देखो बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारा जंप हो गया, और यहां से यहां तक कौन सा भी मोबाइल का काम करते वक्त तो बैटरी निकालना जरूरी है। मोबाइल चालू होने के बाद आप वर्किंग ना करें, इससे मोबाइल बंद पड़ सकता है। ये हम जंप करेंगे।
अभी हमारा जंपिंग हो गया। इसमें हम टेप लगाएंगे क्योंकि इधर उधर शॉर्टिंग ना हो। ये देखो ऐसे हम टेप लगेंगे। और इस पे और एक लगेंगे क्या, ताकि वायर ना हिले। ये हमारा जंपिंग हो गया। तो अब हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अच्छे से तरह से सॉल्व हो गया। और डायरेक्ट भी नहीं चालू होता। डायरेक्ट मतलब क्या, जब हम बैटरी लगाते हैं तब डिस्प्ले लाइट ऑन नहीं होता, जब हम प्रॉपरली ऑन करते हैं तभी ऑन होता है। मतलब इसका जो लाइन था वो सही हो गया। ये 3.7 वो बैटरी वोल्टेज पे चलता है। देखो ये प्रॉपर हमारा काम हो गया। इसका लाइट भी ओरिजिनल जैसा आता है वही आता है, मस्त आ रहा है। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप मेरे वीडियो को आगे भी देखना चाहते हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।